नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शैक्षणिक संस्थान और मॉल में काम करने वालों के लिए खुशखबरी। भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार के 20 जिलों में जल्द ही बनेगा खादी मॉल। बिहार के पंचायतों में खुलने लगे हैं आरटीपीएस सेंटर। बिहार में सीसीटीएनएस योजना से जुड़ेंगे 202 थाने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम पद के लिए निकाली रिक्तियां। भारतीय सेना ने तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम TGC 133 के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो सिविल, भवन निर्माण प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, उपग्रह संचार, वैमानिकी, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कपड़ा अभियांत्रिकी तय की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रासंगिक विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान और मॉल में काम करने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान में काम करने वालों के लिए अहम सूचना। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से हाल ही में सभी पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राज्य के सभी हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोगों को EPF और ESIC के दायरे में लाना अनिवार्य किया गया है। इस बाबत जल्द ही सभी कोचिंग, मॉल, हॉस्पिटल से वेतनमान की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उनके यहां काम करने वाले कितने लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी, ताकि काम करने वाले सभी लोगों को काम के एवज में सही वेतन मिल सके। बिहार के 20 जिलों में जल्द ही बनेगा खादी मॉल। बिहार में इन दिनों उद्योग की आंधी लाने की पहल की जा रही है। यही कारण है कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन समय समय पर उद्योग को लेकर अपनी जानकारी साझा करते रहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से खादी मॉल को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए 20 जिलों में खादी मॉल बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे खादी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ बिहार के बुनकरों को भी बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत बिहार की महिलाओं को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देने की शुरुआत कर दी गई है। पूरे बिहार में 43 केंद्रों पर 1 से 3 महीने का सिलाई कटाई के साथ साथ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पटना खादी मॉल में शुरू प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अब पटना से रांची के बीच की कम होगी दूरी। अब पटना से रांची के बीच खूबसूरत वादियों का सफर आप जब चाहे तब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तक पटना से रांची के बीच की दूरी भी 43 किलोमीटर कम होने वाली है, क्योंकि पहाड़ों और सुरंगों से होकर गुजरने वाली नई रेल लाइन का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है, जिसके बाद इसके जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों की माने तो यह नया रेल रूट मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके तहत अब मात्र 11 घंटे में ही पटना और रांची के बीच की दूरी तय हो जाएगी। नए रेल रूट के शुरू होने के बाद रांची पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों को गोमो और बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बरकाकाना से ही सीधे हजारीबाग, कोडरमा होते हुए ट्रेनें पटना निकल जाएंगी। बिहार में मुहर्रम को लेकर अब इस दिन मिलेगी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी। बिहार सरकार ने मुहर्रम को लेकर अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 अगस्त को घोषित छुट्टी को रद्द कर दिया है और इस छुट्टी को 20 अगस्त को करने का आदेश जारी कर दिया है। खानका मुजीबिया से प्राप्त सूचना के आलोक में चांद दिखाई देने के अनुसार राज्य में मुहर्रम अब 20 तारीख को मनाया जाएगा, लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टी के दिन में संशोधन किया है। अब 19 तारीख के बजाय 20 तारीख को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। इन दिनों बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश भी युद्ध स्तर पर बाढ़ से बिहार को निजात दिलाने के साथ साथ बाढ़ प्रभावितों की मदद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश बीते दिन खगड़िया जिला पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, साथ ही राहत शिविर का निरीक्षण कर पीड़ितों का हाल चाल जाना है। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने परबत्ता प्रखंड के दुधेला गांव स्थित गोगरी नारायणपुर तटबंध का निरीक्षण किया और अधिकारियों से तटबंध की स्थिति की पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और
और कहा कि बिहार में अभी साल 2016 में आए बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। सीएम ने कहा है कि राज्य के खजाने पर सबसे पहले आपदा पीड़ितों का अधिकार है। आज बिहारी मंत्री स्पेशल में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी का जन्म पटना बिहार में आज ही के दिन हुआ था। 1991 में उन्होंने अपना खुद का समूह बनाया जिसमें उनके भाई, चचेरे भाई और दोस्त शामिल थे। उन्हें अल्माटी कजाकिस्तान में वॉइस ऑफ एशिया इंटरनेशनल एथनिक एंड पॉप म्यूजिक कॉन्टेस्ट में सम्मानित भी किया गया था। दलेर सिंह, जिन्हें दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायक, गीतकार, लेखक और रिकॉर्ड निर्माता है। उन्होंने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के साथ साथ भारतीय पॉप संगीत को बॉलीवुड संगीत से स्वतंत्र बनाने में मदद की है। वो अपने नृत्य गीत, आवाज, पगड़ी और लंबे बहने वाले वस्त्रों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले में मौसम का हाल। आईएमडी पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में आज कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया पीड़ितों को सरकार ने दी राहत। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया पीड़ितों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत बिहार सरकार इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए निशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन सहित इलाज एवं जांच सुविधा मुहैया कराने की पहल करने वाली है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया है कि थैलेसीमिया और हेमोफीलिया पीड़ितों के इलाज के लिए पीएमसीएच में डे केयर सेंटर क्रियाशील है। वहीं अब जल्द ही मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में एक एक नए डे केयर सेंटर क्रियाशील हो जाएंगे। इसको लेकर विभाग ने केयर इंडिया के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत भागलपुर और गया में इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर हेमोग्लोबिनोपैथिसिस एंड हेमोफीलिया स्थापित की जाएगी। घरेलू रसोई गैस की कीमत में हुई बढ़ोतरी। सरकार तेल और गैस कंपनियों की तरफ से महीने के मध्य में ही इस बार घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में मामूली कमी देखने को मिली है, जिससे रेस्टोरेंट, होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आंशिक राहत मिलेगी। यह दरें बीते दिन से लागू हो गई हैं, जिसके तहत 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 933.00 रुपए से बढ़ाकर 958 रुपए कर दी गई है। इसकी कीमत में 25 रुपए की वृद्धि हो गई है। 5 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 344.50 रुपए से बढ़कर 353.50 रुपए हो गई है। कॉलेज के प्रोफेसर और एक डॉक्टर के खाते से 3 दिन में 50 लाख गायब। इन दिनों बिहार में साइबर अपराधियों के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। यही कारण है कि साइबर अपराध के मामले में कमी आने के बजाय दिन प्रतिदिन मामलों में वृद्धि ही देखने को मिल रही है। बीते दिन मुजफ्फरपुर जिले से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर MPS साइंस कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर जीएन सिंह और शहर के एक डॉक्टर के खाते से 50 लाख से अधिक की राशि उड़ा ली गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी राशि साइंस कॉलेज स्थित PNB ब्रांच से उड़ाई गई है। वहीं राशि की निकासी NRTGS से की गई है। इसको लेकर डॉक्टर और प्रोफेसर ने शिकायत की है। हालांकि इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह रही कि दोनों में से किसी के पास भी पैसे निकासी का SMS नहीं आया था। बिहार के पंचायतों में खुलने लगे हैं RTPS सेंटर। बिहार के पंचायतों में जल्द ही RTPS सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है, जिसकी मदद से अब बिहार में आपके गांव में ही आवासीय, जातीय और आय प्रमाण पत्र आसानी से बन सकेगा। इसको लेकर हरेक पंचायत में RTPS सेंटर शुरू हो गया है। पहले इन दस्तावेजों को बनाने के लिए लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था। पिछले दिनों RTPS सेंटर खोलने का ऐलान पंचायती राज मंत्री ने किया था। RTPS काउंटर खुलते ही पंचायत के लोगों को जाति, आय, आवासीय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह योजना, नया राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड से नाम हटाने तथा जोड़ने से संबंधित कार्य होने लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले दिनों ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया था कि बिहार के हरेक गांव में RTPS सेंटर 15 अगस्त के बाद से बनाए जाने शुरू हो जाएंगे। पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 24 से जारी करेगी मेरिट लिस्ट। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नामांकन की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। यूनिवर्सिटी के 60 कॉलेज में 1.20 लाख अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट 24 को जारी होने वाली है, जिसके बाद दूसरी सूची 13 सितम्बर को तो वहीं तीसरी सूची 26 सितम्बर को जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट पहले 16 अगस्त को आने वाली थी, लेकिन आवेदन की तारीख बढ़ाने के साथ साथ मेरिट लिस्ट की डेट भी बढ़ा दी गई है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के DSW डॉक्टर AK नाग का कहना है कि मेरिट लिस्ट आते ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 60 कॉलेजों में एफिलिएटेड और सरकारी कॉलेज के साथ अन्य कॉलेज शामिल है। एडमिशन को लेकर काफी इंतजार है, स्टूडेंट को अब इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। 1.20 लाख स्टूडेंट के नामांकन की प्रक्रिया 24 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाली है। अब कौनसी में भी मिलेगा रोपवे का आनंद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल बिहार सरकार ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। वहीं अब पर्यटकों को बिहार की तरफ लुभाने के लिए पर्यटन स्थलों का विस्तार किया जा रहा है। यही कारण है कि अब बिहार में राजगीर की तरह ही बौंसी में भी रोपवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, जिसका आनंद पर्यटक जल्द ही उठा सकेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने में ही इसका उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद पर्यटक ऊंचाई से मंदार की वादियों का मजा ले सकेंगे। मालूम हो कि मंदार का रोपवे बिहार का तीसरा रोपवे मार्ग होगा। आपको बता दें कि रोपवे बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में सबसे पहला बनाया गया था, जबकि रोहतास किला पर जाने के लिए भी रोपवे का निर्माण किया गया है। यह बिहार का दूसरा रोपवे मार्ग था। अब मंदार में रोपवे बिहार का तीसरा रोपवे है, जो यहां के लोगों के लिए सपना था। बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविर में महिलाओं को बेटी बेटा होने पर सरकार देगी पैसे। बिहार के अधिकांश जिले वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित है। वहीं बिहार सरकार समय समय पर बाढ़ प्रभावितों की मदद करने की पहल कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए एक और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। इस बाबत CM ने कहा है कि आपदा पीड़ितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग खास करके की जा रही है। अगर शिविर में बेटा होता है तो महिलाओं को 10,000 और बेटी होने पर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता सरकार जरूर करेगी। बिहार में CCTNS योजना से जुड़ेंगे 202 थाने। राज्य सरकार के निर्देश पर जल्द ही राज्य में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर पूर्ण रूप से काम करने लगेगा, जिसके तहत न्यायालय, थाना, अभियोजन और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद बिहार के सभी थाने देश के 16,000 से अधिक थाने से जुड़ेंगे, जिसके बाद FIR से लेकर थाने का सभी डेटा दूसरे राज्य के थाने की पुलिस भी आसानी से देख सकेगी, जिसके तहत बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल CCTNS योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत थाना कोर्ट से भी पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा और FIR से लेकर वारंट तक ऑनलाइन के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 17 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव करवाने का फैसला लिया गया है, जिसकी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी होने वाली है। विधानसभा का तृतीय सत्र और विधान परिषद का 158वां सत्र का सत्रावसान भी किया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का पद भरा जाएगा। नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 की स्वीकृति दी गई है। सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति देने के साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए गए वादे को भी कैबिनेट में पास कर लिया गया है, जिसके तहत सभी वर्ग की लड़कियों को BPSC तथा UPSC की परीक्षा के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 1 मुश्त 50,000 और 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 20 अगस्त को पशुपति पारस आएंगे दिल्ली से पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस अब आखिरकार हाजीपुर आने वाले हैं। बीते दिनों चिराग पासवान को अपने संसदीय क्षेत्र में देखकर चाचा पशुपति पारस भी अब जागृत हो गए हैं। यही कारण है कि वो 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के रूप में दिल्ली से पटना आने वाले हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा होने वाला है, जिसके तहत अब वो बाढ़ वाले इलाके में घूमकर वहां की पीड़ित से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इसके लिए उनके गुट के नेताओं ने पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है। उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां बिहार में शुरू हो गई है। पार्टी में टूट के बाद से चिराग भी काफी एक्टिव है। वहीं अब पशुपति पारस के आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मानसी के
बाद अब पशुपति पारस ने जगदा बाबू को दिया ऑफर। हाल ही में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने जगदानंद सिंह को पार्टी में आने का न्योता दिया था। वहीं अब लोजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर रातों रात बैठने वाले पशुपति पारस ने बीते दिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को साथ आने का ऑफर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जगदा बाबू बेहद ही वरिष्ठ नेता है, उनको राजद पार्टी के अंदर सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन अगर उनकी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है तो उन्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। इस पार्टी में उन्हें पर्याप्त सम्मान भी मिलेगा और सही स्थान भी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि वो पार्टी से नाराज है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते कई दिनों से वो पार्टी कार्यालय में नहीं गए हैं। हालांकि राजद ने इन सभी बातों का खंडन किया। राघोपुर पहुंचकर तेजस्वी ने की बाढ़ पर रिपोर्टिंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ का जायजा लिया, साथ ही साथ वहां से लाइव रिपोर्टिंग भी की। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव करने के दौरान नाव पर मौजूद लोगों से क्षेत्र की जानकारी लेते नजर आए। इस दौरान वो बाकायदा अपने कैमरामैन से बोलकर चारों तरफ के दृश्य को दिखवा रहे थे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि ग्राउंड पर क्या हालात है, कैमरों की नजर से दिखाया कि आखिरकार कैसे पूरा इलाका जलमग्न है। तेरसिया में जिन दो बच्चों की जान गई है, पार्टी की ओर से उनके परिजनों को 25,000 की राशि भी दी गई। आपको बता दें कि बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ के चपेट में हैं। यही कारण है कि जिलों का जायजा लेने लगातार नेता भी इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। नीतीश कुमार के क्षेत्र में भव्य स्वागत से खुश नजर आए आरसीपी सिंह। बीते दिन केंद्रीय इस्पात मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा पहुंचे। हालांकि यह आरसीपी का भी गृह क्षेत्र है। वहीं मंत्री बनने के बाद बीते दिन पहली बार वो नालंदा गए थे, जहां पर जदयू के नेता से लेकर कार्यकर्ता के साथ साथ स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर उनका स्वागत करते देखे गए। इस जोरदार स्वागत से आरसीपी सिंह भी काफी खुश नजर आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सबसे पहले कराए पर सुराय के डियाबा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां पर लोगों ने फूलों की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नालंदा को ज्ञान की धरती भी बताया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1900 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ। 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खुला। 2010 में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने टीवीएस गोल्ड भारत नामक अपने नए कुंजी पटल में टैब से ठीक ऊपर रुपए के चिन्ह को शामिल किया। 1945 में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज तथा अग्रगामी दल के संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1800 में लॉर्ड वेलिजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आज ही के दिन की थी। हार के बाद भारतीय टीम के इन दो खिलाड़ियों को लेकर जो रूट ने कही अपनी बात। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा मैच भारत के नाम रहा, वहीं दूसरा मुकाबला बेहद ही रोमांचक भी रहा। इसी बीच भारतीय टीम के खिलाफ मिली हार के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट ने अब अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, रणनीति के मामले में कहीं चूक हो गई, शमी और बुमराह की पार्टनरशिप खेल का अहम पल था और हमने उसे हल्के में लेने की गलती की। यह निराशाजनक था कि हम उस तरह से पारी का अंत नहीं कर सके जैसा कि कर सकते थे। गूगल क्रोम में है यह शानदार फीचर। गूगल क्रोम दुनिया के लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर की सुविधा के लिए कई सारे फीचर्स जोड़े गए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे खास फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है इनबिल्ट स्कैनर। इस फीचर की मदद से आप वायरस को स्कैन करके डिलीट कर सकते हैं। कंप्यूटर या पीसी स्कैन करने के लिए गूगल क्रोम की सेटिंग में जाएं। यहां आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। अब आपको एडवांस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें जाने के बाद आपको क्लीन अप कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को स्कैन कर सकेंगे और उसे क्लीन कर सकेंगे। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,520 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,740 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है अंसार आलम, साहिल राज, राहुल कुमार, मृत्युंजय कुमार, अविनाश कुमार, रविंद्र पासवान, केदार कुमार, विकास कुमार, सीमा कुमारी, नेहा रॉय, बबलुद्दीन आलम, बसंत सिंह, जितेंद्र कुमार, प्रीतम कुमार, अमरनाथ शाह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आपके आसपास सड़क निर्माण का काम बिहार सरकार करवाने
बनाने में सफल हो पाई है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।